प्यार की खासियत याद है, लड़के को याद है, प्यार की खासियत एक ही लग चुकी है और एक ही लगना। मनारा चोपड़ा को जमके मिर्रा है हेड, जमके मिरी है गालियां मुन्नर फारूकी की चुगली करने पर। क्या पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन जान लीजिए जो आप सभी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप सभी को बताऊँ कि बिग बॉस के इतिहास के अंदर बिग बॉस के अभी तक जितनी भी सीजन है उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक सीजन कौन सा था, बिग बॉस 13, जिसके खिलाड़ियों के अभी तक स्टेटस वायरल होते हैं, अभी तक सोशल मीडिया पर स्टेटस चलते हैं और अभी तक जो बिग बॉस में जा रहे हैं उनकी नकल मारते हैं, यानी कि आसिम रियाज और सिद्धार्थ, आप सभी को पता। तो ऐसे में आप सुना दो, आसिम रियाज के रिलेटेड एक बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है जो उनकी गर्लफ्रेंड थी जो कि बिग बॉस में भी आई थी, आंशी खुराना, जो कि आप इन्हें अच्छी तरह जानते होंगे, जो कि आसिम की गर्लफ्रेंड थी, ऑफिशियली गर्लफ्रेंड थी, सबको पता था, दोनों ने एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन ऐसे में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद हिमांशी खुराना ने एक लेटर लिखते हुए बताया जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, जो कि आपको साइड में दिखी जाऊंगा, जहां पर उन्होंने लिखा कि हाँ हम साथ नहीं है, हमने जो भी समय साथ में बिताया वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब हमारा साथ खत्म हो गया, हमारे रिश्ते सफ़र बहुत अच्छा था और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे, अपने अपने धर्मों का सम्मान करते हुए, अपनी अपनी धार्मिक चीज़ों के हिसाब से हम चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में हम किसी के दुश्मन नहीं, लेकिन अब हम साथ में नहीं है, ये हमारा यहाँ पे सफ़र ख़त्म हुआ, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। और ऐसे में आप सभी सोच रहे हो कि आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ, तो ये लेटर ऐसा देख के लग रहा है कि इनका ब्रेकअप कहीं ना कहीं कोई धार्मिक पॉइंट को लेकर हुआ, क्योंकि आप सभी को बताऊंगा हिमांशु खुराना कौन है, एक हिंदू है, साथ ही साथ आसिम रियाज कौन है, मुस्लिम है, तो हो सकता है कि इनके धर्मों को लेकर एक दूसरों की बदनी रहेंगी, जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हो चुका है, जो कि आज की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। लेकिन इसमें आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का क्यों हुआ होगा ब्रेकअप, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये तो थी पहली इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसे में आपसे बता दूं मुन्नर फारूकी की चुगली करने पे मनारा चोपड़ा को लोगों ने भर भर के हेट दिया, जम के गालियां दी, उनके जितनी भी पोस्ट इंस्टाग्राम पे उस पर कई सारा हेट मिल रहा है, मुन्नर फारूकी फैन जाकर जम के हेट दे रहे और जम के उनको मतलब बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जैसा कि आपको साइड में कई सारे स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। जैसा कि आप सुधा दूं किसी ने लिखा कि तेरा साथ मुन्नर का झगड़ा हो गया, अच्छा हो गया, और दोगली खोखली आपको जो साइड में दिख ही रहूँगा, और उसी के साथ बता दूँ बहुत सारे ऐसे कमेंट किए गए कि ओवर एक्टिंग की दुकान, बहुत फालतू, कितना सेल्फिश है, जलस है, और उसी के साथ आपसे बता दूँ और ऐसे गंदे गंदे कमेंट किए जो कि मैं आपको पढ़ के भी सुना नहीं सकता, लेकिन तारा को कोई गाली देना चाहता है तो वो यहाँ टैप करे, और ऐसे अलग अलग अनोखे कमेंट किए गए आप जाके देख सकते हैं। मनारा चोपड़ा को इतना हेट मिल रहा है उनके इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे के बेहिसाब, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुन्नर फारूकी डे वन से मनारा चोपड़ा के साथ खड़े हुए, लेकिन मनारा चोपड़ा जगह जगह जाके मुन्नर फारूकी के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, चुगली करती है, और ये वाली चीज़ फैन को बिल्कुल भी पसंद आ रही है, और चाहे मुन्नर फारूकी के फैन हो ना उनको भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से दोगला गेम मनारा चोपड़ा खेल रही है ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा और उनको हेट मिल रहा है। आप जाके देख सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पे कितना सारा हेट मिल रहा है, मतलब जब भी कोई पोस्ट आ रही है तो जम के हेट मिल रहा है, और कोई फॉलोअर के अंदर इंक्रीज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसी पर आपका क्या बोला, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जिस तरह से मनारा चोपड़ा बिग बॉस के अंदर करती है, सही करती है, गलत करती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिस तरह लोग हेट दे रहे, सही कर रहे, गलत कर रहे, ये भी कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना फैलाए ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।